दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ दिलवालों का ये शहर अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बना रहता है, चाहे राजनीति हो, पर्यावरण का मुद्दा हो और चाहे अपराध हो। साथ ही साथ दिल्ली मुंबई के बाद भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। दिल्ली का इतिहास महाभारत के समय जितना पुराना है। महाभारत के समय में दिल्ली पांडवों की राजधानी थी। उस समय दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। समय समय पर यहाँ पर अनेकों राजाओं, सम्राटों और मुगलों ने राज किया है, लेकिन दिल्ली का मेन इतिहास 1911 से शुरू होता है, जब इसे अंग्रेजों द्वारा भारत की राजधानी घोषित किया गया था। सिर्फ 1484 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले दिल्ली की आबादी 1,80,00,000 है। दिल्ली की खरी बावली मार्केट आपने जरूर देखी होगी। आपको बता दें, खरी बावली मार्केट पूरे एशिया की सबसे बड़ी मसालों की मार्केट है। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू परिसर मंदिर है, जिसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया था। 2014 में दिल्ली का वायु प्रदूषण इतना था कि WHO ने दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया था। दिल्ली का नेहरू प्लेस एशिया का सबसे बड़ा IT बाजार है। यहाँ पर आपको IT टेक्नोलॉजी संबंधित सारी चीजें मिलेंगी जो पूरे एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में रोज 47,00,000 लोग सफर करते हैं। दिल्ली हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की राजधानी रही है। कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार ही बसाई गई। जब दिल्ली पर मुगलों का राज था तो दिल्ली के 6 गेट हुआ करते थे, शेरशाह गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट और लाहौरी गेट। इन 6 गेटों के अलावा दिल्ली में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं होता था। दिल्ली को दुनिया के ग्रीन सिटीज में से भी एक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इको फ्रेंडली है और अधिकतर गाड़ियाँ बसें CNG से चलती हैं। दिल्ली के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस लाल किला, बिरला मंदिर, जामा मस्जिद, लोधी गार्डन, बंगला साहिब गुरुद्वारा, हुमायूं का मकबरा और जंतर मंतर है। पुराने समय में जंतर मंतर पर सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। आपको पता है, कुतुब मीनार ईंट से बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जो 1220 में बनाई गई थी। दिल्ली का बिरला मंदिर उद्योगपति JD बिरला ने 1939 में बनवाया था। इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। दिल्ली का टॉयलेट म्यूजियम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक तरह की एंटीक और डिजाइन के टॉयलेट सीट रखी हुई हैं। दिल्ली का चांदनी चौक और कनॉट प्लेस पूरे भारत के सबसे फेमस शॉपिंग प्लेसेस में से एक है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।